हेलो दोस्तों और भाइयों, विश्वकर्मा टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों, आज मैं विशेष टकई देसी स्टोन पे लेके आया हूँ। जो भाई देसी पत्थर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर गुजरात महाराष्ट्र में लगभग, जहाँ पर एकदम बारीक आटा, यानी कि बिल्कुल बारीक आटा की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ज़्यादातर वैसे हर जगह बारीकी चाहिए, लेकिन देसी स्टोन में स्पेशली ज़्यादा बारीक आता है। और जहाँ पे जो बारीक ज़्यादा खाते हैं उनके लिए ये स्टोन सही रहते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा जो भाई एमरी स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो देसी स्टोन यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही बारीक आता है और कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज़्यादा बारीक आटे से क्या होता है, जिसके हैबिट में रहता है ना, जिससे आटा जब ओसनते हैं तो हाथों पे चिपकता है। तो मेरे कस्टमर ये शिकायत कर रहे थे कि भाई साहब इतना बारीक कर रहे हो, हमारे तो आटा भी ज़्यादा गीला हो रहा है, हाथों में चिपक रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लमें थी और कुछ ग्राहक को एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन समस्या यही आ रही थी, इस कारण मैंने चेंज किया है। लेकिन जहाँ पे देसी स्टोन चलते हैं तो वहाँ पे देसी स्टोन ही यूज़, क्योंकि वो सारे ग्राहक उस तरफ सेटअप होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर कोई काम मशीन से कर रहे हो, आपके हैबिट में है, और आपको दूसरी मशीन ला के देंगे तो वो आपको एक अजीब लगेगा। भले ही उसमें अच्छा काम हो रहा है दूसरी नई वाली में, लेकिन एक पहले से आपको जो जो एक आपके हाथ में जमी हुई है और एक नए दोगे ला के, तो वो सेटअप नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई पुराना फ़ोन है जिसे आपको नया लेंगे तो आपको एक बार अजीब लगेगा, चलाने में कुछ दिक्कत आएगी, इस तरह से होता है। तो नए स्टोन में दोनों आटा बढ़िया आता है, लेकिन एक कस्टमर को सेटअप नहीं होता है कि ये चिपक रहा वो चिपक रहा। और दूसरा मैं अंतर भी बताऊंगा, और देसी स्टोन जो यूज़ करते हैं भाइयों, टकई आप देख लीजिए, इस तरह से टकई कीजिए आप, भले आप करते होंगे कई सालों से, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 महीने के एक्सपेरिमेंट से मैंने यूज़ करके मैंने आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह से टकई करोगे ना आप, आपका आटा एकदम फास्ट पिसाई होगी, जैसी एमरी स्टोन में होती है ऐसी आपके पिसाई होगी। तो टके आप देख सकते हो, और टके के साथ में जो एमरी स्टोन यूज़ करते हैं वो भाई वीडियो देख रहे हैं, तो आप दोनों में अंतर आपको मैं बता देता हूँ, दोनों स्टोन के अंतर के। देसी स्टोन में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है टके की, और टके समय पर करनी होती है, क्योंकि पेटे पर स्क्रैप अनिवार्य होते हैं। अगर उन इन देसी स्टोन के ऊपर पेटे पर स्क्रैप नहीं होंगे तो आटे में क्या होगा, बड़ा आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप हल्का सा बड़ा करोगे तो चापड़ आने की शिकायत रहेगी, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है, इसमें चापड़ आने की शिकायत रहती ही रहती है, क्योंकि बड़ा कोई कस्टमर मांगता है और पत्थर अपने हल्के घिस चुके हैं, तो आप समय पर नहीं खोल रहे हो और बड़ा करने जाओगे तो आटा ऐसा मतलब हल्का हल्का चापड़ आएगा अंदर, ठीक है ना। तो एमरी स्टोन में ये शिकायत नहीं आती है, क्योंकि एमरी स्टोन में अगर अपन लेट भी कर रहे हैं तो भी उसमें चल जाता है, लेकिन इसमें लेट अपन का बिल्कुल भी नहीं चलता है, समय पर करना अनिवार्य होता है। और मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको 7 दिन में खोलना होता है देसी स्टोन को, 10 दिन में खोलना, ऐसा नहीं भाइयों। चक्की चलने के आधार पर होता है, आपका कितना माल पिस रही है और कितने दिन तक चल रही है, और उस हिसाब से जैसे इसकी पटरी होती है वो घिसने लगती है, जो स्क्रैप बनते हैं वो घिस जाते हैं, तो समझ लेना बहुत जल्दी उसकी खोलनी पड़ती है, नहीं तो फिर आटा बिगड़ता है। मैं जिस तरह से इसमें देखिए, आप देसी स्टोन जो यूज़ करते हैं भाइयों, पटरी पे स्क्रैप बनाना, इस तरह से आप लाइनिंग बनाना छोड़ दो, भूल जाओ, इस तरह से स्क्रैप बनाओ, और आप देखो आप जिसको ऐसे लगेगा आपको छेनी और हथौड़े से टकई की है, एकदम बढ़िया आटा आएगा, मक्खन जैसा एकदम, और आप कुछ भी पीसो। दूसरा, ये देसी स्टोन में माइनस पॉइंट ये, मकई पीस नहीं पाते हो, हार्ड जो चीज़ें होती हैं, हाँ पीस सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो अधिक मात्रा में पीसना होता है, जो फास्ट काम करना होता है मकई के लिए, तो वो एमरी स्टोन में ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और फायदा ये है, इसमें आटा ठंडा आता है, चक्की ज़्यादा गर्म नहीं होती है, हल्की प्रेस पे पिसाई होती है इसकी, गेहूँ वगैरह जो हल्के अनाज होते हैं जो उनके पीसने के लिए सबसे बेस्ट है। और मैंने दोनों पत्थरों में अंतर बताया, इसमें क्रैक, हल्के क्रैक इसमें भी होते हैं, क्योंकि पत्थर होता है भाई तो गर्म होता है। और दूसरा ये है कि इसमें ऐसे जो एमरी स्टोन में फट जाते हैं, ऐसा फटने का मुझे नहीं लगा कि ऐसे फटते हैं, लेकिन हल्के डैमेज और ऐसे भी होते हैं, क्योंकि इनमें भी कुछ क्वालिटी के अलग अलग पत्थर आते हैं, कोई हल्के वाले भी आते हैं, कोई हेवी वाले भी आते हैं, तो कुछ हल्के होते हैं उसमें भी हल्की किरकिर आने की रहती है। लेकिन भाइयों, इस तरह से आप पत्थर बनाओ
और दूसरा ये कि दोनों पत्थर में फ़र्क होता है, मैं सभी भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, दोनों एमरी स्टोन जो यूज़ करते हैं और जो देसी स्टोन यूज़ करते हैं, दोनों में टकई अलग अलग प्रकार की होती है, नहीं टकई सेम होती है, खाली पटरी पे स्क्रेप बनते हैं देसी स्टोन पे, और बाकी एमरी स्टोन पे पटरी पे स्क्रेप बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये थोड़ा अंतर है। और दूसरा अंतर एक मैं बता रहा हूँ भाइयों, फिक्स स्टोन और घूमने वाला स्टोन में दोनों में टकई में फ़र्क है, और दोनों में टकई का फ़र्क एमरी स्टोन और देसी स्टोन दोनों के लिए मैं रिकमेंड आज बता रहा हूँ। मैंने पहले 4-5 वीडियो में मतलब ये बताने की करी, पर मैं समझा नहीं पाया, इसलिए मैं आपको एक साइड में देखो फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो में जिस तरह से मैंने बताया हुआ है उसी प्रकार से आप नाली बनाओ और फिर आप पिसाई करके देखो और मुझे पूछना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आप में क्या फ़ायदा मिला। और दूसरों सभी भाई से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, नाली में स्क्रेप जरूर बनाएं, आपको मैं 10 बार बोल रहा हूँ, पेटे पर भले ही नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन नाली में जब तक नहीं बनाओगे आपके आटे की क्वालिटी सही नहीं होगी, ठीक है। और मैं जिस तरह से मैंने बताया है नाली की तिरछाई और नाली की पेटे के अंदर से सब कुछ फॉलो करोगे तो भी तभी आपका सब कुछ अच्छा होगा, बाकी अगर आप एक चीज़ कर दी एक चीज़ नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा भाइयों। जिस तरह से मैंने अदर वीडियो में जिस तरह से आपको सब कुछ समझाया है उस तरह से आप करोगे तभी आपको आटे में क्वालिटी अच्छी आएगी। तो देख सकते हो भाइयों, मेरे पास ये पत्थर पड़े हैं लेकिन मेरे को यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसकी टकई करी है, और थोड़ा रात का समय भी है तो आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, जिससे मैं टाइम मिल रहा है उस हिसाब से काम करता हूँ। तो मेरे को आपको बताने के लिए मैंने इसकी टकई की है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसकी टकई की लेकिन इसका पटरी पर स्क्रेप जो बनाए थे उसका वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि जल्दबाजी में और लड़के भी मेरे पास कोई थे नहीं वीडियो शूट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि पत्थर भी पड़े हैं और जो देसी स्टोन यूज़ करते हैं भाई, अगर कोई चाहते हैं लेना तो ये मेरे पास एक सेट पूरा पड़ा हुआ है, पूरे सेट है माकड़ी से लेकर सब कुछ, तो ले सकते हैं भाइयों, जो भी लेना चाहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और देख सकते हो आप इस तरह से आप अगर स्टोन की टकई कर दोगे ना तो आपकी पिसाई 1 घंटे के अंदर लगभग सबके 120 केजी होती है, लेकिन मैं आप गारंटी से बोल रहा हूँ 150 केजी होगी और एकदम बारीक आटा आएगा। इस तरह से जो जैसे लाइनिंग भी बनाते हैं, मैंने भी लाइनिंग का बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट पहले करता हूँ, ठीक है, मैं तरह तरह के आइडियाज़ लगाता हूँ, मैं दूसरों से राय भी लेता हूँ भाई कैसे क्या होता है, और उसके बाद में जो मेरे को कैसा सेटअप होता है। देखो मेरा पत्थर कंप्लीट हो चुका है और ये बंटी भाई पास में बैठा है, ये मेरे चक्की का काम सारा कुछ यही संभालता है, तो आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा रात की वजह से मैं क्लियर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, और मेरे पास अभी सब कुछ मोबाइल से ही शूटिंग करनी पड़ती है, कैमरे की सुविधा अभी तक है नहीं। आप सभी का सपोर्ट होगा ज़रूर मैं कैमरा परचेज करूँगा और उसके बाद अच्छी क्वालिटी से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो आप, देखो स्क्रैप देखिए, देसी स्टोन में जो भी भाई जितने भी भाई महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके सूरत से लेके जो यूज़ करते हैं, आप इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, आप अपना हाथ इस तरह से सेटअप कीजिए आपका काम। इसमें एक बात और भाइयों, टकई बहुत फास्ट होती है एमरी स्टोन थोड़ा हार्ड होता है, ये इतना हल्का होता है, ग्राइंडर चलता है फास्ट और मुझे समय भी नहीं लगता इसकी टकई करने में। ये देखिए मेरी दोनों चक्की चल रही रनिंग है और काफ़ी भीड़ रहती है हमारे कस्टमर पर, और हमारा सारे कस्टमर पर रिकमेंड यही होता है हैंड टू हैंड पीस के देते हैं, मैं हम किसी कस्टमर को खड़ा रख के जाने की इजाज़त नहीं होती है, और हम वेट कभी नहीं करते हैं, वेट किसी कस्टमर का नहीं करते हैं, मेरी चक्की की ये खासियत है, रख के चले जाएंगे कोई तो लेकिन वेट नहीं करते, कोई नहीं करता है वेट, क्योंकि उनको पता है कि मेरी चक्की पर सारा काम ईमानदारी से होता है, कोई आटा भूल भी जाता है यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है, उसका आटा हम यूज़ कर लें, चाहे हम गाय को डाल देंगे गाय को खिला देंगे, लेकिन हमारे कभी घर पे किसी के नहीं जाता है, यही हमारी यहाँ की खासियत है, और कोई कस्टमर हमारे वेट नहीं करता है, उनको पता है कि अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम ज़्यादा ले लेंगे, और ऐसा गलत काम हम कभी किसी से करते नहीं है, तभी हमारी घर की जमी हुई। देखो आप मक्की का आटा देख सकते हो, एकदम बढ़िया बारीक आटा है बिना चापड़ का, देखिए आप एकदम
तो इस तरह की स्पीड देखो टकई अच्छी होती है, अपनी को आटे की भी क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट मिलती है। देखिए आप गाला कितनी फास्ट जा रहा देख सकते हो आप, और मक्के की पिसाई हो रही है। तो भाइयों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी भाई नए हैं और जिन भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाइयों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ भाइयों 30 इंच की चक्की का टकई का वीडियो आने वाला है, लेकिन क्या करूँ भाइयों, समय नहीं मिल रहा है, और इसी के कारण मेरी चक्की की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है 30 इंच की चक्की की, और गाला लेना भी बहुत कम हो चुका है। तो आप आज या कल में काम शुरू